आपका जो टॉपिक चल रहा है रिडॉक्स रिएक्शंस, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण संख्याएं जो होती है, सबसे पहले तो डेफिनेशन की बात करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? तो ऑक्सीकरण संख्या की डेफिनेशन होती है किसी यौगिक में किसी तत्व पर उपस्थित धनावेशों या ऋणावेशों की संख्या। अगर किसी तत्व पर जितने धनावेश उपस्थित है या जितने ऋणावेश उपस्थित है वो उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या होती है। अब ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात कैसे किया जाता है, फाइंड कैसे किया जाता है? मान लीजिए एक कंपाउंड दे दिया आपको और उसमें ज्ञात करवा ली ऑक्सीकरण संख्या के कोई तत्व एक्स है तो उसकी आपको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर दी। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए H2SO4। अब इसमें आपको सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या? पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो बाकी के तत्व है, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, इनके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन्स कितने उपस्थित होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स को त्याग रहे हैं। अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कहने का मतलब अंतिम कोश में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, और अगर किसी के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 है तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के भी अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो +1। थोड़ा जितने परमाणु उपस्थित है, हाइड्रोजन के परमाणु है 2, तो 2 के बाद फिर प्लस। अब इस क्योंकि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है इसलिए एक्स प्लस, ऑक्सीजन के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो उसको इलेक्ट्रॉन अपने 8 पूरे करने के लिए चाहिए होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए -2 गुणा जितने ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है गुणा 4 बराबर 0, तो हो जाएगा +2 प्लस एक्स -8 बराबर 0। एक्स -6 बराबर 0, एक्स बराबर आएगा +6। ऑक्सीकरण संख्या जो भी आती है निकलकर उनको उनके सिंबल के साथ ही लिखा जाता है। अगर प्लस में आती है ऑक्सीकरण संख्या तो उसको प्लस में लिखा जाएगा, अगर माइनस में आती है तो उसको माइनस में लिखा जाएगा। अगर HNO3 कह दिया जाए, HNO3 यानी कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है। अब नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने के लिए सेम प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जैसा कि यहां पर +1 है तो +1 हो गए, जितने हाइड्रोजन उपस्थित है 1 है तो 1 की गुणा करने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर प्लस एक्स प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो -2 होगी, -2 गुणा कितने ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हुए हैं यहां पर 3 ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो इसलिए 3 बराबर 0, तो +1 प्लस एक्स -6 बराबर 0, एक्स -5 बराबर 0, एक्स बराबर आ जाएगा +5। इस प्रकार से किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था उस यौगिक के अंदर ज्ञात की जाती है। कुछ तत्व होते हैं, अगर मुक्त अवस्था है, किसी तत्व की मुक्त अवस्था है, सिंपल लिख दिया जाए P यानी कि फॉस्फोरस या O3 या S8। अब इनमें ये जो होते हैं एसिड यानी कि सल्फर होते हैं, सल्फर अष्ट परमाणु तत्व होता है इसलिए एसिड लिखा जाता है इसको। तो देखिए इन पर कोई आवेश नहीं है, ना ये किसी अन्य तत्व के साथ बंध बना रहे, तो इसलिए ये जो है इनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो 0 होती है। सामान्य अवस्था में बिना किसी आवेश के किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो 0 होती है। नेक्स्ट देखिए, अगर इसके अलावा H3PO4 है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फोरिक अम्ल है, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करना है। फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने के लिए फॉस्फोरस की जिस तत्व की ज्ञात करनी है उसके लिए क्या रखा जाएगा, एक्स रखा जाएगा, और उससे पहले हाइड्रोजन कितने उपस्थित है, और हाइड्रोजन की आपको बताइए ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1, जितने परमाणु उपस्थित है प्लस एक्स के बाद प्लस करके लिखा जाएगा ऑक्सीजन के परमाणु उपस्थित है इसमें 4, और ऑक्सीजन की जो
सी अवस्था होती है वो माइनस के दो गुणा चार बराबर जीरो, तो प्लस तीन प्लस एक्स प्लस माइनस के आठ बराबर जीरो, एक्स माइनस पांच बराबर जीरो आ गया, तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस के पांच। इस प्रकार फास्फोरस की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो प्लस पांच आ गई है। ये तो सामान्य यौगिक हो गए। यदि किसी यौगिक में आवेश उपस्थित है पॉजिटिव या नेगेटिव उपस्थित है तो उसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। देखिए अगर HSO4 नेगेटिव उपस्थित है, अभी तक क्या कर रहे थे हम, अभी तक कर रहे थे कि सामान्य में बराबर में जीरो लिख रहे थे। अब इसमें करना क्या होगा, जितने आवेश उपस्थित हैं, जितने आवेश उपस्थित है यानी कि चार्ज जो भी उपस्थित है इस पर प्रेजेंट है उसको इक्वल में जीरो की जगह उतने ही नंबर लिखे जाते हैं और उसी से साइन के। तो देखिए अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें फाइंड करना है तो हाइड्रोजन प्लस वन प्लस एक्स प्लस ऑक्सीजन के लिए माइनस दो गुणा ऑक्सीजन के चार परमाणु जुड़े हुए इसलिए चार बराबर। अब इस पर हम जीरो की जगह लिखेंगे यहां पर माइनस वन क्योंकि इस पर माइनस एक आवेश उपस्थित है। तो देखिए प्लस वन प्लस एक्स प्लस माइनस के आठ बराबर माइनस एक, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी प्लस के छह, एक्स की वैल्यू जो आएगी कितना आएगी प्लस छह। इसी प्रकार अगर NH4 पॉजिटिव है अमोनिया माइनस, इसमें अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे हम, देखिए एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय कितने हाइड्रोजन उपस्थित है चार, चार उपस्थित है चार बराबर क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है इस पर इसलिए हम इक्वल में जीरो की जगह पर प्लस वन रखेंगे, प्लस वन रखेंगे। अब ये आ जाएगा एक्स प्लस चार बराबर प्लस वन, तो एक्स बराबर प्लस वन माइनस चार, तो एक्स बराबर माइनस के तीन, एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस थ्री आ जाएगी, तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा माइनस थ्री निकल कर आएगा। एक और देखें PO4 ट्राई नेगेटिव, फॉस्फेट आयन है, इस फॉस्फेट आयन में फॉस्फोरस का अगर ऑक्सीडेशन नंबर याद करना है आपको तो एक्स प्लस ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन शेप कितनी है माइनस टू, इसलिए माइनस के टू, जितने ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है फोर इज इक्वल टू। अब देखिए इसमें चार्ज कितना है माइनस थ्री चार्ज है ऊपर तो इक्वल में माइनस थ्री लिख देंगे, तो एक्स माइनस एट इज इक्वल टू माइनस के थ्री, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस एट, तो एक्स इज इक्वल टू आएगा प्लस के फाइव। एक्स की वैल्यू या फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया कितना आया प्लस पांच निकल कर आया, ये सामान्य है। अब एक यौगिक है OF2, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीजन संख्या क्या करेंगे, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर याद करना है। ऑक्सीजन का हम देखते आ रहे हैं कि इसमें सभी में माइनस टू रख रहे हैं, ये जो अभी तक की है इन सब में माइनस टू रखा गया, लेकिन एक OF2 कंपाउंड ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू निकलकर आती है, इस चीज को याद रखना। तो देखिए एक्स प्लस फ्लोरिन होता है नाइन, तो टू सेवन रिक्वायरमेंट कितने की है उसको एड करने के लिए वन इलेक्ट्रॉन की, तो माइनस वन, इसलिए माइनस के वन मल्टीप्लाइड बाय टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस के टू आएगा, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस। अब देखिए ये तो है सिंपल, अब ऑक्सीजन में इसमें प्लस टू और माइनस टू दो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आ गए। परऑक्साइड्स जो होते हैं यानी कि जिनमें परऑक्साइड की बात बताता हूं मैं आपको, परऑक्साइड जो होते हैं वो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, परऑक्साइड में ऑक्सीजन जो होते हैं वो ओ सिंगल बॉन्ड ओ होते हैं, परऑक्साइड्स में ऑक्सीजन ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होगा।
अगर हम H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाए तो देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय टू प्लस एक्स, आप देखिए क्योंकि दो है इसलिए 2x इज इक्वल टू जीरो, तो 2x इज इक्वल टू माइनस के 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए परऑक्साइड्स जो भी होते हैं उनमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो माइनस 1 होता है। अब इसका सबसे जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है वो पूछा जाता है CrO5, इसको ब्लू परक्रोमेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं इसको ब्लू परक्रोमेट बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो प्लस के 10 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस के 10 तो होती नहीं। अब फिर देखिए इसका बनाया जाता है स्ट्रक्चर, तो इसमें जो दो ऑक्सीजन होते हैं और ये वाले दो ऑक्सीजन, यानी कि टोटल मिला कितने हो गए 4, ठीक है। 4 जो ऑक्सीजन होते हैं वो परऑक्साइड्स होते हैं और एक ऑक्सीजन जो होता है वो सिंपल होता है, नॉर्मल ऑक्सीजन होता है। तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी निकल कर आई है -1। अब इसमें कितने परऑक्साइड ऑक्सीजन है 4, तो -1 -1 -1 -1 है ना, तो 4 जो ऑक्सीजन है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है -1, और एक जो सिंपल ऑक्सीजन उसका -2 होगा, ये तो नॉर्मल है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो या सिंगल बॉन्ड से किसी अदर एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो, सिंगल बॉन्ड से किसी अदर एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो तो वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो वो होते हैं परऑक्साइड्स। अब देखिए 4 ऑक्सीजन क्या है इसमें परऑक्साइड्स है और 1 ऑक्सीजन क्या है नॉर्मल ऑक्सीजन है, इसलिए अब इसमें होगा क्या कि अब हमको सी आगे निकल रहे हैं, तो एक्स प्लस माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, तो 4 ऑक्सीजन के लिए -1 लग गया और 1 ऑक्सीजन के लिए -2 आ गया, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस के 6 आएगा, x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी प्लस 6। CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आता है, तो आपको या तो क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा कि ब्लू परक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ठीक है। अगर नॉर्मली करते हैं ये चीज याद रखना कि ब्लू परक्रोमेट जो होता है उसमें 4 परऑक्सी ऑक्सीजन होते हैं। एक और है परऑक्सी ऑक्सीजन का एग्जांपल, H2S2OA, ठीक है, H2S2OA। अब इसमें आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, नॉर्मली क्या करेंगे 2 + 16 -14 है ना, तो प्लस के 7 आएगी ऐसे तो निकल गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो इसके लिए करते क्या है इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले और फिर उसमें परऑक्सी ऑक्सीजन देखते हैं कितने होते हैं। सबसे पहले क्या बनाना होगा स्ट्रक्चर और फिर उसमें देखेंगे परऑक्सी ऑक्सीजन कितने होते हैं, स्ट्रक्चर बनाना आता होगा क्योंकि इससे पहले जो चैप्टर थे केमिकल बॉन्डिंग वाला स्ट्रक्चर थे। तो देखिए स्ट्रक्चर देखिए, सल्फर या तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जोड़ दीजिए इसको या डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए है ना, क्योंकि सल्फर जो होता है उसमें अप टू 12 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो देखिए इसमें परऑक्सी ऑक्सीजन कितने हैं, इसमें परऑक्सी ऑक्सीजन कितने हैं कोई बता सकता है क्या, नहीं, 2 ऑक्सीजन परऑक्सी है। मैंने अभी यही चीज बताई थी कि अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ सकता है तो वो ही परऑक्सी ऑक्सीजन होता है, अगर ऑक्सीजन किसी अदर एलिमेंट से जुड़ता है तो वो परऑक्सी ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें केवल 2 ऑक्सीजन जो है वो परऑक्सी है, बाकी सभी नॉर्मल ऑक्सीजन है, सबकी -2 वैलेंस वो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, हाइड्रोजन की +1 होती है, ठीक है। अब इसमें केवल 2 ऑक्सीजन ही तो परऑक्सी हो गए, 2 ऑक्सीजन क्या है परऑक्सी है। अब इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए
हाइड्रोजन की प्लस वन। चलो इधर देख लो, हाइड्रोजन की प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय टू प्लस टू एक्स, क्योंकि सल्फर लिखते हैं यहां पर तो इसलिए 2x हो गया प्लस। अब देखिए छह ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल है, छह ऑक्सीजन जो है वो सिंपल है, इसलिए माइनस के टू मल्टीप्लाइड बाय सिक्स। बाकी के जो दो ऑक्सीजन है वो कैसे है, परऑक्सी है ना, प्लस माइनस का वन मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू फाइंड हो सकती है यहां से, तो एक्स की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी प्लस के सिक्स। इस प्रकार H2O8 में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस सिक्स निकल कर आता है। अगर हम इसको ऐसा नहीं करते, अगर हम डायरेक्टली कर देते यू ही जैसे और अदर में कर रहे थे, तो क्या होता, यहां पर हो जाते हैं सातवें आठ में सोलह है ना, प्लस के चौदह और x की वैल्यू प्लस सात आती है इस हिसाब से, ऐसा नहीं है ना। इसलिए x की वैल्यू जो है अब परोक्ष ऑक्सीजन जिसको प्रेजेंट होते हैं उसके लिए आप इस टाइप से निकाल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए।